सोचो, न कोई स्वर्ग हो, मुमकिन है अगर तुम सोचो, न कोई नर्क हो, हो सिर्फ खुला आसमान, सोचो हम इस पल के लिए जिए। तुम कहोगे ये एक देवा स्वप्न है, लेकिन मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, एक दिन तुम भी मेरे साथ चलोगे और ये दुनिया एक हो जाएगी। ये रचने वाला एक बगावती शख्स था, गीत लिखता था, गाता भी था, वो खूब मशहूर हुआ, ताउम्र अपनी जिद पर कायम रहा, सरहदों को मिटाने की बात करता, उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी ही थी, दुनिया भर में उसके चाहने वाले हुए, सीमाएं कभी उस दीवानगी के आड़े नहीं आ सकीं, वो एक ऐसी दुनिया में ले चलने के ख्वाब दिखाता जहां इंसान बस इंसान की तरह देखा जाए, जहां मजहब की बंदिशें न हों, मगर ख्वाब से बाहर की दुनिया अलग थी। उसी के एक फ़ैन को ये बातें पसंद नहीं आई, उसने एक रात अपने नायक के शरीर में गोलियां धांस दी, नायक चला गया, रह गए उसके अल्फाज जो आज भी जिंदा हैं और जिनकी ज़रूरत समय के साथ बढ़ती जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल वीडियो शो तारीख। आज है 8 दिसंबर और आज की तारीख की कहानी जॉन लेलन की है। साल था 1940 का, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हिटलर की एयरफोर्स दिन रात बम गिरा रही थी, लोगों का अधिकतर समय शेल्टर होम में बीतता था। ऐसे ही समय में जॉन का जन्म हुआ था, तारीख थी 9 अक्टूबर की। जॉन के माँ बाप बचपन में ही अलग हो चुके थे, तो उनकी परवरिश एक रिश्तेदार ने की जहाँ खूब सारी पाबंदियाँ थीं। जॉन का बचपन उन्हीं पाबंदियों में घुट घुट कर बीता, फिर उनको एक दोस्त मिला म्यूज़िक के रूप में, ये रास्ता था जो उन्हें एक अलग किस्म की दुनिया में ले गया जिसे बाद में जॉन ने अपना बनाया। 16 की उम्र में जॉन ने द क्वेरीमैन नाम का एक म्यूज़िक बैंड शुरू किया, ये बैंड आगे चलकर बीटल्स बना। 1960 के दशक में बीटल्स एक क्रांति की तरह आया था, मशहूर इतना कि बीटल्स के एल्बम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया करते थे। टाइम मैगजीन की 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट में बीटल्स का नाम भी है। फिर एक दिन यही पॉपुलैरिटी बैकफायर कर गई, एक इंटरव्यू में जॉन लेनन ने कह दिया कि बीटल्स जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा मशहूर हैं। उनका इतना कहना था कि हंगामा खड़ा हो गया, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन बीटल्स के खिलाफ माहौल बनने में देर नहीं लगी। रेडियो चैनल्स कैसेट स्टोर्स का पता बताते थे और लोगों से बीटल्स के कैसेट जलाने के लिए कहते। जॉन लेनन और बीटल्स कट्टरपंथी धड़े के लिए विलन बन चुके थे। बीटल्स को धमकियां मिलने लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी रद्द होने लगी, लोगों को उनके कंसर्ट में घुसने से रोका जाने लगा। जॉन लेनन ने बाद में सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने अपने कहे के लिए माफ़ी नहीं मांगी। बीटल्स को जो नुकसान होना था हो चुका था। कुछ समय बाद बैंड के चारों मेंबर्स के बीच तकरार शुरू हुई, उनके मत अलग होने लगे और रास्ते भी। सबसे पहले जॉन लेनन ने बैंड छोड़ा। 1970 में बीटल्स के भंग होने का औपचारिक ऐलान किया गया। ये दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए एक सदमे की तरह था। बीटल्स से अलग होने के बाद जॉन लेनन ने अकेले परफॉर्म किया, एल्बम रिकॉर्ड किए जो खूब बिके भी। लेनन पीस एक्टिविस्ट भी बन चुके थे, वियतनाम वॉर के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन रैलियों में वो भोपू लेकर सबसे आगे चलते, अपनी आवाज़ बुलंद करते। फिर आया 1980 का साल, जॉन लेनन ने अनाउंस किया कि वो अगले साल स्टेज पर वापस लौटेंगे और लाइव परफॉर्म करेंगे। नए साल में लेनन के दीवानों को इस बड़े तोहफे का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन जैसा तय था वैसा हुआ नहीं। 8 दिसंबर की शाम आई, लेनन न्यूयॉर्क के डकोटा अपार्टमेंट्स में अपने घर से बाहर निकले, उन्हें रोलिंग स्टोन मैगजीन के फ़ोटोशूट में जाना था, लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने में देर हो गई। घर से निकलते ही फैंस ने ऑटोग्राफ के लिए उनको घेर लिया था। जब जॉन फोटोशूट करके वापस लौटे तब तक रात के 10:30 बज रहे थे। घर के बाहर शांति थी और फैंस वापस लौट चुके थे एक को छोड़कर। वो शाम से लेनन का वेट कर रहा था, उसे अपना काम निपटाना था, ऑटोग्राफ के चक्कर में वो शाम में भूल गया था। कौन सा काम? जॉन लेनन की हत्या। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। जब तक लेनन अपने घर में घुसते गोलियां उनके शरीर में धस चुकी थीं। लेनन वहीं पर ढह गए। पुलिस को उनको अपनी ही गाड़ी में उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आधे घंटे बाद ऐलान हुआ जॉन लेनन नहीं रहे। हत्यारे का नाम था मार्क डेविड चैपमैन, उम्र 25 साल। एक समय वो बीटल्स का ज़बरदस्त फैन हुआ करता था, लेकिन जब से उसे लेनन के इंटरव्यू वाली बात मालूम चली उसका मन बदल गया। कट्टरता ने उसके भीतर जहर भर दिया था। चैपमैन ने महीनों तक प्लानिंग की, फिर एक दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर न्यूयॉर्क आया। वहाँ उसने रेकी की और फिर उस रात अपने प्लान पर अमल भी किया।
चैपमैन गोली मारने के बाद भागा भी नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर एक नॉवल पढ़ने लगा। नॉवल का नाम भी जान लीजिए, द कैचर इन द राय। ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेंसर की गई किताबों में से एक मानी जाती है। वजह, सेक्सुअल सीन्स, वल्गर लैंग्वेज और हिंसा। ये वयस्कों के लिए लिखी गई थी, लेकिन ये किशोरों के बीच ज़्यादा पॉपुलर हुई। नॉवल पढ़ते चैपमैन को पुलिस ने पकड़ लिया। जनवरी 1981 में उसकी सुनवाई शुरू हुई। 6 महीने बाद उसने अपना अपराध कबूल लिया। उसने कहा, ईश्वर ने मुझे अपना दोष स्वीकार करने के लिए कहा है। अदालत ने मार्क चैपमैन को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। इसके बाद साल 2000 में उसकी परोल पर पहली बार सुनवाई हुई। अदालत ने उसको समाज के लिए ख़तरनाक माना और परोल डिनाई कर दी। चैपमैन ने यहाँ तक कहा कि अगर लेनन जिंदा होते तो उसे माफ़ कर देते, लेकिन लेनन वहाँ नहीं थे और वजह चैपमैन खुद था। 2020 में चैपमैन की परोल की अर्जी को 11वीं बार रद्द किया गया। अब अगली सुनवाई अगस्त 2022 में होनी है। तब तक चैपमैन 67 साल का हो जाएगा। अगर जॉन लेनन जिंदा होते तो अभी 80 साल के होते। वो होते तो दुनिया और भी सुंदर होती उनके गीतों की तरह। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख को और भी रोचक किस्सों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हमेशा की तरह तारीख के इस एपिसोड को भी लिखा है हमारे साथी अभिषेक ने, और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे दोस्त विभव। देखते रहिए दिल अलन टॉक।